चुनाव आयोग के निर्देश पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। चुनाव आयोग का प्रयास है कि ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन करके मतदाताओं को जागरूक करने के साथ साथ ईवीएम के प्रति फैली भ्रांतियों को भी दूर किया जाए। उद्देश्य को लेकर मुरादाबाद जनपद के विभिन्न स्थानों पर ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट पर भी ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, जहां अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और आम जनता ने ईवीएम का बटन दबाकर चेक किया कि जो बटन उन्होंने दबाया है क्या वही वीवीपैट पर दर्शाया जा रहा है। बटन दबाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा दबाया गया बटन वीवीपैट पर भी दर्शा रहा है या नहीं। गौरतलब है कि वीवीपैट पर आपके द्वारा दबाए गए बटन का चिन्ह मात्र 7 सेकंड ही देखा जा सकता है। कलेक्ट्रेट पर आयोजित ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन कैंप में आकर ईवीएम को चेक करने वाले अधिवक्ताओं, राज्य कर्मचारी एवं आमजन से जब बात की गई तो उन्होंने ईवीएम के प्रति अपना विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि ईवीएम के प्रति जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उनमें जरा भी सच्चाई नहीं है, अपना सही काम वो कर रहा है। सभी ने मतदाताओं से जागरूक होने की अपील की है और किसी के बहकावे में ना आने पर जोर दिया है। राजस्व विभाग में कार्यरत कैंप प्रभारी ओपी गौतम ने ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन कैंप के विषय में जानकारी दी और क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी, क्या नाम है आपका? ओपी गौतम जी, आप किस विभाग से हैं? मैं रेवेन्यू से कानून हूं। यहाँ ये ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन कैंप लगाया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है प्रतिशत जन जागरूक अभियान के अंतर्गत जनता को वोट डालना, किस तरीके डलता सुझाव देना, बताना, जागरूक करना। क्या बताया जा रहा है आपके पास? ये बताया वी पैट के ये बैलेट यूनिट है, उसके बाद वी पैट में जो पर्ची कटती है उसको देखना, हमारा जो वोट कहाँ पड़ा वो चिन्ह आएगा उसमें, उससे जिसने वोटिंग किया वो सेटिस्फाइस हो जाएगा। उसके बाद उसका पीपी की आवाज़ करेगा कंट्रोल यूनिट में, सीयू में, उसका वोट पड़ जाएगा तो जो वोटर वो पूर्ण रूप से सेटिस्फाइस हो जाएगा। मतलब चुनाव आयोग का जो उद्देश्य है वो निर्देश है जी, मतदाताओं को ईवीएम के प्रति जागरूक करना और फैली हुई भ्रांतियों को दूर करना, इसी उद्देश्य को लेकर ही लगा। इसी उद्देश्य से कैंप कलेक्ट्रेट पर लगाया जा रहा है एक जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार। क्या अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से? मतदाताओं से ये चाहेंगे कि जो भ्रम हो रहा है वो दूर रहे, जो वी पैट हमारा पर्ची काट रहा है वो पूर्णतः जो बिल्कुल सही काम कर रहा है, मशीन जो हमारी सही कोई गलत नहीं, बिल्कुल कोई इसमें कोई भ्रम वाली कोई बात ही नहीं। कैंप में आए हाजी मोहम्मद आमिल एडवोकेट से जब बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी मोहम्मद आमिल एडवोकेट है। आज आप यहाँ ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन कैंप में आए थे, आपने चेक किया, क्या महसूस किया? नहीं, महसूस ये किया कि ईवीएम से जो वोट पड़ रहे हैं मुझे लगता है बिल्कुल सही है, जो बटन मैंने दबाया उसकी पर्ची निकली, तो इसलिए ईवीएम सही है। ईवीएम के प्रति जो जनमानस में भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं इसको देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो थोड़ा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में थोड़ी भ्रांतियाँ इसलिए फैलाई जा रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कुछ भी हो सकता है, मतलब पब्लिक के दिमाग में ये बात है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपने क्या महसूस किया अभी वोटर? मैंने महसूस किया कि वोटिंग जो होती है इलेक्ट्रॉनिक मशीन से बिल्कुल सही होती है, बिल्कुल बढ़िया। आपने वीवीपैट चेक किया? जी, वीवीपैट चेक किया, जो बटन मैंने दबाया वही पर्ची लिखी। क्या जनता से अपील करना चाहेंगे? जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं उन भ्रांतियों से दूर हो रहकर और ईवीएम से जो वोटिंग है वोटिंग अपनी करें, मतदान करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईवीएम मशीन का मतदान जो होता है वो सही, स्वच्छ और साफ और बढ़िया तरीके से।